एज़ यूजुअल गाइज, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी बना पा रहा हूँ, और आप भी चाहे तो इसे इतना जल्दी सीख कर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं खुद के नए ट्रिक्स एंड टिप्स, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको रियली में हेल्प करेगी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में। देन प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं क्लास 10 का ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस मैं बनाऊं, देन प्लीज़ इस वीडियो का कम से कम 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं ऐसा ही ढेर सारे ट्यूटोरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकूं। आप चाहे तो मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है fineartsguruji.com। वहाँ पर मैंने GIF प्लस इमेज ट्यूटोरियल अपलोड किया है, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे लगे। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 10 के लिए ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, देन प्लीज चेक आउट आवर वेबसाइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, देन प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं क्लास 10 के डायग्राम में ऐसा ढेर सारे बनाओ, देन प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर लेके एज अ रेडियस एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको गाइस सिंपली मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, उसके बाद आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। सो सबसे पहले इस तरह से हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे गाइस। देन गाइस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना स्केल, और इसे यहाँ पे रख के हम लोग मार्क करेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे 3 सेंटीमीटर पे एक, उसके बाद 8 सेंटीमीटर पे अगेन वन मोर। इसके बाद गाइस हम लोग अपने स्केल को इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे, और 2.5 सेंटीमीटर को मिडिल में रखते हुए दोनों साइड 1 से 5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देन गाइस हम लोग नीचे फिर से उसी तरह से स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को बीच में रखेंगे और दोनों साइड 4 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग अपने स्केल को यहाँ पे इस टाइप से रखते हुए 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। ओके, सो आप देख सकते हैं गाइस ये कितना ईजी है, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना होगा। देन गाइस हम लोग यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाएंगे दोनों साइड, बस आपको ये कर लेना है पहले गाइस। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ गाइस कि मैंने इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा भी फास्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ बनाएं। इसके बाद गाइस हम लोग बनाएंगे हेड, सो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ से नोज ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको गाइस, एंड देन इसे फोल्ड करना है यहाँ से, एंड देन हम लोग यहाँ पे गाइस लिप्स को भी ड्रॉ कर लेंगे। सो सिंपली हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसे बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेंगे गाइस। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे नेक को ड्रॉ करेंगे, सो गर्दन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन इसे फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मोड़ेंगे इस टाइप से, और उसके बाद इस पॉइंट में मिला देंगे गाइस। सो ये बहुत ही इजी है गाइस। अगेन गाइस हम लोग दूसरे शोल्डर का भी बस वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। अगेन हम लोग गाइस यहाँ पे उसी टाइप से इसे भी बना लेंगे। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे आर्म्स को ड्रॉ करेंगे, सो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड, एंड देन गाइस हम लोग इसके आउटलाइन को कंप्लीट कर लेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे माउथ को ड्रॉ कर लेंगे, जो बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए गाइस हम लोग को यहाँ पे सिंपली इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद उसे हम लोग यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे नीचे की ओर लेते आएंगे गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ तक कम से कम आपको लेते आना है। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे नोज़ के पास से एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटा सा, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसे गाइस हम लोग यहाँ पे इस टाइप से बढ़ाते हुए अगेन फोल्ड करेंगे टंग के लिए। और यहाँ पे माउथ और टंग दोनों है, आप जानते ही होंगे बकल कैविटी जिसको बोला जाता है माउथ। माउथ और टंग बनाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ईसोफेगस, सो सिंपली हम लोग उसके लिए एक लाइन इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे गाइस।
इसोफेगस बनाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्टोमेक। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। अब गाइस हम लोग दूसरे साइड से ड्रॉ करेंगे इसे इस तरह से बनाते हुए। गाइस हम लोग इस पॉइंट में इसे मिला देंगे। मैंने इस पॉइंट को इसलिए बनाया था गाइस ताकि आपसे ये इजी में बन जाए। स्टोमेक बनाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। सो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे एंड देन गॉल ब्लैडर के लिए हम लोग यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए गाइस हम लोग यहाँ पे इसे ऊपर ले जाएंगे और फिर से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लोग इसे मिला देंगे। अब हम लोग गाइस यहाँ पे बनाएंगे लीवर। उसके लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करना है और उसे बढ़ाते हुए हम लोगों को यहाँ तक कम से कम इसे लाना है। इतना करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करते हुए इसे नीचे की ओर लेते जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से फिर से हम लोग इसे निकालेंगे और यहाँ पे मिला देंगे। अब गाइस हम लोग यहाँ पे डायफ्राम को बनाएंगे। सो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे आगे बढ़ाते हुए यहाँ से अगेन इसी के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिलाते हुए और इसके बाद हम लोग इसे दूसरे साइड इस तरह से ले जाते हुए यहाँ पे इजली से मिला देंगे। देन गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अब पैनक्रियास को। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से जिगजैग लाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से मोड़ते हुए मिला देंगे। सो ये बहुत ही इजी है गाइस। अब गाइस हम लोग यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को बनाएंगे। सो सिंपली इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करना है इस टाइप से, उसे ऊपर ले जाते हुए फिर से हम लोग इसे नीचे की ओर लेते जाएंगे। वैसा ही गाइस अब हम लोग दूसरे साइड भी ड्रॉ करेंगे, इसे इस तरह से नीचे ले जाते हुए हम लोग अगेन इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए छोड़ देंगे। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन हम लोग दोनों साइड एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे जिगजैग टाइप का आया है, वैसा ही दूसरे साइड भी कर लेंगे हम लोग। इतना करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड करेंगे और उसे यहाँ से ले जाते हुए अगेन फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। इतना बनाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपेंडिक्स को। इसे इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाएंगे। सो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एनस को हम लोग यहाँ पे छोटा सा इस तरह से दिखा देंगे। अब गाइस हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन आया है उसे थोड़ा सा पहले जल्दी से बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ये दोनों उल्टा है गाइस, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये ईजिली से रिमेंबर हो सके, ताकि गाइस आप कभी कंफ्यूज ना हो और आपका समय भी बच सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाइस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले वो भी कम समय में। यहाँ पे गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। अब गाइस हम लोग यहाँ पे 3 में आएंगे और यहाँ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फोल्ड करेंगे, फिर इसे यहाँ पे नीचे फोल्ड करेंगे। अब गाइस हम लोग इसे यहाँ से फिर एक फोल्ड करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद गाइस फिर से हम लोग नीचे और एक लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी है गाइस। सिंपली आपको एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप भी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके लिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक वाइट पतली सी कॉपी ले लें और उसमें सारे डायग्राम्स जो भी है मैंने बनाया है आप उसे देख कर कम से कम 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे 2 पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लाते हुए यहाँ पे मिला देंगे। वैसा ही गाइस और एक यहाँ पे 2 छोटा सा लिख देंगे हम लोग यहाँ से। बस इतना ही ड्रॉ करने से गाइस आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप इसे ज़रूर एक दो बार प्रैक्टिस कर ले। और हो सके तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो हमारा विज़न है 20,000 लाइक्स इस वीडियो में वो कम्प्लीट हो सके।
इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे खेलेंगे एक छोटा सा गेम जिसमें आपको बताना होगा मेरे से पहले नाम। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद गाइस हम लोग एरोज भी ड्रॉ कर लेंगे। सो लेट मी नो फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज अपेंटिस। देन नेक्स्ट वन गाइस जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज पैनक्रियास। देन इसके बाद जल्दी से बताओ। सो नेक्स्ट वन इज लीवर। और इसके ऊपर गाइस जल्दी से बताओ कौन सा है। सो दिस वन इज बाइल डक्ट। देन लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट। सो दिस वन इज गॉल ब्लेडर। आफ्टर दिस वन गाइस जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज डायफ्राम। सो अगला कौन सा है गाइस जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज टंग। देन नेक्स्ट वन गाइस इसके बाद में जो है। सो दिस वन इज माउथ। और इसके नीचे गाइस जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज ईसोफेगस। देन लेट मी नो गाइस व्हाट नेक्स्ट। सो दिस वन इज स्टोमैक। देन आफ्टर दिस वन गाइस। सो दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट वन गाइस जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके नीचे गाइस लास्ट वन। सो दिस वन इज एनस। आई होप गाइस आपको इस गेम में मजा आया होगा। देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देन प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप क्लास 10 के ढेर सारे वीडियोस चाहते हैं कमेंट करें अपने व्यूज़ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ढेर सारे वीडियोस आपसे छूटे ना, देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।